हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल में प्रैक्टिकली हम लोग फ्यूज़ का सिलेक्शन किस बेसिस पर करते हैं। देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल की वर्किंग में इन्वॉल्व हैं तो फ्यूज़ का सिलेक्शन करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि किसी भी ड्राइव में अगर आप ओवररेटेड फ्यूज़ लगाते हैं तो उस केस में आपकी ड्राइव ट्रिपी नहीं होगी और हाई करंट ड्रॉ होने के वजह से आपकी मोटर जल भी सकती है। वही दूसरे केस में अगर आपने अंडररेटेड फ्यूज़ लगाया है तो बहुत बार न्यूसेंस ट्रिपिंग आपको देखने को मिलेगी। कई बार ऐसा होगा कि मोटर चालू करते ही वो ट्रिप हो जाएगी, क्योंकि आपका जो फ्यूज़ सिलेक्शन था वो गलत था, आपने गलत रेटिंग का फ्यूज़ मोटर में लगाया था। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बताता हूँ कि किस तरीके से आप सिंपल तरीके से ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितनी किलोवाट की मोटर में कितने एम्पियर का फ्यूज़ लगेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप कितने एम्पियर का फ्यूज़ लगाएंगे। ये होता है पावर अपॉन वोल्टेज इनटू 1.25। अब इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 1.25 है इसको हम लोग सेफ्टी फैक्टर कहते हैं। देखिए, जब भी आप फ्यूज़ का सिलेक्शन करेंगे तो आपको सेफ्टी फैक्टर का ध्यान रखना पड़ता है। अब ये 1.25 कहाँ से आया, इसके एक अलग डेरिवेशन है जो इस वीडियो में मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे भी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिर्फ ये वैल्यू को याद रखिए कि एज अ सेफ्टी फैक्टर आपको 1.25 मल्टीप्लाई करना है पावर अपॉन वोल्टेज के रेशियो के साथ। अब इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान में रखनी है कि ये जो पावर हम लोग लेंगे ये हमेशा वैट में होना चाहिए। जैसे इंडस्ट्रीज़ में जो मोटर होती है वो नॉर्मली किलो वैट की रेटिंग में बोली जाती है, जैसे 5.5 किलो वैट की मोटर है या फिर 11 किलो वैट की मोटर है, तो उस किलो वैट को हम लोग वैट में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद ही यहाँ पर लिखेंगे। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 5.5 किलो वैट की मोटर है तो उसको हम लोग लिखेंगे 5500 वैट्स। वोल्टेज अगर ये सिंगल फेज की मोटर है तो उस केस में जो वोल्टेज है वो 240 वोल्ट रहेगा और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.25 से। तो इसका दोस्तों जो भी आंसर आएगा उतने एम्पियर का फ्यूज़ आप 5.5 किलोवाट की मोटर में लगाएंगे अगर सिंगल फेज ऑपरेशन है तो। ये जस्ट मैं एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, आप इसमें कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। वही अगर थ्री फेज़ की हम लोग बात करें, जैसे इंडस्ट्रीज़ में प्रैक्टिकली बात करें तो 5.5 किलोवाट की जो मोटर है वो थ्री फेज़ सिस्टम के थ्रू हम लोग रन करेंगे। तो जब भी आप थ्री फेज़ सिस्टम के थ्रू रन करेंगे तो ये वोल्टेज के साथ आपको √3 ऐड करना पड़ेगा, मतलब √3 टाइम्स ऑफ वोल्टेज हो जाएगा। और इस केस में यहाँ पर जो वोल्टेज है वो थ्री फेज़ के केस में 415 वोल्ट होगा, क्योंकि थ्री फेज़ में हम लोग 415 वोल्ट का यूज़ करते हैं और √3 की वैल्यू हो जाएगी 1.732। तो इस तरीके से ये रहेगा कि जो पावर है उसको हमने वैट में लिख लिया, थ्री फेज सिस्टम है इसलिए हमने √3 का यूज़ किया है जिसकी वैल्यू होती है 1.732, और वोल्टेज हम लोग यूज़ करते हैं 415 वोल्ट थ्री फेज़ के केस में, ये थ्री फेज़ के लिए हमने यूज़ किया है। तो इस तरीके से दोस्तों एक सिंपल फॉर्मूले के बेस पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि कितने एम्पियर का फ्यूज़ आप कितने किलोवाट की ड्राइव में यूज़ करेंगे। अगर आपको इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये फॉर्मूला उनको बता सकते हैं कि प्रैक्टिकली इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग फ्यूज़ सिलेक्शन करते हैं। वैसे जब आप रेगुलर बेसिस पे इस तरीके से फ्यूज़ सिलेक्शन करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा कि कितने किलोवाट कि जो मोटर है उसके हिसाब से कितने एम्पियर का फ्यूज़ लगेगा। ये नॉर्मल प्रैक्टिस में आने के बाद आपको याद हो जाएगा, आपको इस तरीके से वैल्यूज़ पुट अप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर एज अ लर्नर हम लोग ये सीख रहे हैं कि किस तरीके से थ्री फेज़ की मोटर का करंट में कितने एम्पियर का फ्यूज़ लगेगा ये हम डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रोसेस में, इस मेथड में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूं अगले हफ्ते ऐसी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड।